ये है हमारे पास टेक्नो का एक डिवाइस जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, यानी कि ये किसी चीज़ से कट गया था। तो इसकी जो बैटरी वगैरह, फोल्डर, बैक ढक्कन सब कुछ चेंज करेंगे। तो ये पहले का वीडियो है जो कि रिपेयर नहीं किया था तब तक, और ये है रिपेयर करने के बाद का वीडियो। इसमें हमने इसका डिस्प्ले वगैरह, फ्रेम, बैक पैनल सब कुछ चेंज कर दिया है। हालांकि फ्रेम कस्टमर ने चेंज नहीं कराया था, तो उसको हमने लेमिनेट करके फिक्स कर दिया है। यदि आपके पास भी कोई ऐसा डिवाइस है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज हमारे पास है टेक्नो का स्पार्क गो डिवाइस जिसका मॉडल नंबर है KG5। तो करेंगे इसको बड़ी आसानी से रिपेयर, इसकी बैटरी, बैक पैनल, इसका फ्रेम सब कुछ चेंज करेंगे बड़ी आसानी से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। ये हमारे पास जो डिवाइस है ये किसी चीज़ से कट गया है, यानी कि किसी चीज़ के नीचे आ गया था, जैसे कि कट गया है। नया ही डिवाइस है, अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना भी ये यूज नहीं किया है जिनका फ़ोन है ये। इसकी बैटरी मैंने निकाल के फेंक दी थी क्योंकि बैटरी में करंट बराबर था और बैटरी कट गई थी, तो उसमें बैटरी को फटने का या ब्लास्ट होने का डर था, इसलिए मैंने बैटरी को फेंक दिया है। बैटरी को मैं वीडियो में नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे भी रिस्क था कि यदि मैं आपको वीडियो में दिखाता उस वीडियो को, बैटरी को, तो उसमें मुझे भी रिस्क हो सकता था, तो इसलिए मैंने बैटरी को नहीं दिखाया इसमें। ये डिस्प्ले है जो मैं इसमें चेंज करूंगा डिवाइस में, ये मार्केट में सबसे बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले के लिए मैं जो चार्ज कर रहा हूँ कस्टमर से वो है 1400 से 1500 रुपये। हो सकता है आपके यहाँ पे डिफरेंस जो रेट हो वो ज़्यादा हो या कम तो होगा नहीं, शायद ही ज़्यादा हो सकता है कम भी हो, तो वो आपके यहाँ पर अलग भी हो सकता है। जो मैं चार्ज कर रहा हूँ इस डिवाइस के लिए वो 1400 से 1500 रुपये में चार्ज कर रहा हूँ। हालांकि मैं इस डिवाइस में जो भी पार्ट चेंज करूँगा उसका प्राइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए मैं, क्योंकि मैं हर पार्ट का इसमें आपको प्राइस बताऊँगा। यदि आपके पास कोई और डिवाइस है जिसके प्राइस वगैरह जानना है पार्ट का, या कोई दिक्कत है उस डिवाइस में उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ये सेकेंडरी बोर्ड है, चार्जिंग बोर्ड जो होता है वो है, ये सेफ था इसमें, तो मैं इसलिए इसको चेंज नहीं करूँगा इस डिवाइस में। उसके बाद ये पत्ती जो है ये है सेकेंडरी बोर्ड से कनेक्ट होके हमारा जो रिंगर होता है, स्पीकर होता है, उसके लिए कनेक्शन देती है, जिससे कि हमारे जो रिंगर को जो पावर मिलती है, ठीक है। ये वाली जो पत्ती है ये भी हमारी सही थी, ये भी डैमेज नहीं थी, तो मैंने इसको भी निकाल लिया है। हालाँकि इसमें मोस्टली जो पार्ट है वो है बैटरी और इसका जो डिस्प्ले है वो, और डिस्प्ले फ्रेम है इसका, और बैक पैनल है, और इसका नेटवर्क वायर है, ये ही मोस्टली इसमें डैमेज है। यदि कोई और पार्ट होगा तो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा और उसका प्राइस भी बता दूंगा। हालांकि मैंने अभी तक आपको सिर्फ डिस्प्ले का प्राइस बताया है, हालांकि जैसे जैसे इसमें पार्ट में चेंज करता रहूँगा मैं आपको उसका प्राइस बताता रहूँगा। ये है मेन बोर्ड जो कि पूरी तरह से ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि मेन बोर्ड ही मेन चीज़ है इसकी, पूरा डिवाइस ही मान के चलिए, बाकी तो पार्ट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और रिप्लेस भी हो जाते हैं, ठीक है। ये है इसका वॉल्यूम अप डाउन और पावर की पत्ता जो कि ये भी फ्रेश है, तो इसको भी रिप्लेस नहीं करेंगे हम, इसको भी जो जैसा है ऐसा का ऐसा ही लगा देंगे। अभी पार्ट जो निकाल रहा हूँ मैं डिवाइस में से, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इसका जो मेन फ्रेम है, यानी कि डिस्प्ले फ्रेम बोल देते हैं इसको, या LCD फ्रेम भी बोल देते हैं, ठीक है, इसी में सारे के सारे पार्ट जो होते हैं वो एडजस्ट होते हैं। ये मान के चलिए डिवाइस का ढांचा एक तरह से यही है, यही पूरे डिवाइस को हमारे को जो हार्डनेस देता है, यानी कि जो डिवाइस टेढ़ा हो जाता है वो इसी की वजह से होता है, और जो हार्ड होता रहता है वो इसी की वजह से होता है। तो मेन चीज़ यही मान के चलिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जो हमारा जो शरीर होता है उसमें जो हड्डी होती है जो कि हमारे जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उसी प्रकार से ये होता है, ठीक है। इसमें जो पार्ट है वो मैंने निकाल लिए हैं, आप भी ध्यान से निकाल लेना जो, क्योंकि जो कोई भी पार्ट अगर रह गया तो इसमें वो दिक्कत हो जाएगी, आपको दोबारा से डिवाइस खोलना पड़ेगा। ये हमारा जो डिवाइस है उसका LCD फ्रेम है, या डिस्प्ले फ्रेम भी बोल सकते हैं, इसको क्रोम भी बोल देते हैं। तो इसका जो प्राइस है मैं कस्टमर से जो चार्ज कर रहा हूँ वो मान के चलिए लगभग आप 250 रुपये मैंने इसके जो फ्रेम है इसके लिए चार्ज करें, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो इसके लिए आपके यहाँ पर अलग भी प्राइस हो सकते हैं आपके यहाँ पर 500 भी चार्ज करें, हो सकता है आपके यहाँ पर 1000 रुपये भी चार्ज करें, और हो सकता है आपके यहाँ पर 200 रुपये में भी चेंज कर दें, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो प्राइस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, और यदि आपके लिए कुछ और भी जानकारी चाहिए, या यदि आपको ये इस प्रकार जो पार्ट मैंने इसमें चेंज किए हैं वो पार्ट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे अवेलेबल करा दूँगा आपके लिए, ठीक है। ये हमारा जो LCD फ्रेम है इस पर मैं पहले वॉल्यूम अप डाउन और पावर की जो पत्ता है वो लगा ले रहा हूँ, ठीक है,
क्योंकि सबसे पहले वही चिपकाना पड़ता है और वो जब तक मैं और पार्ट चेंज करूँगा तो वो तब तक फिक्स हो जाएगा, ठीक है, बड़ी आसानी से फिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। इस पर थोड़ी ग्लू लगाई है हमने जिससे कि हम डिस्प्ले कॉम्बो चिपकाते हैं। मैं इसमें फेविक्विक का इस्तेमाल नहीं करूँगा कहीं भी, क्योंकि वो थोड़ी आपके डिवाइस के लिए भी बेकार दिक्कत कर सकती है, और ये जो ग्लू होती है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये मेन जो कैची चिपकाने के लिए काम आ जाती है, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी तरह से इसको फिक्स कर देती है और इसको बाद में निकालना भी काफ़ी आसान हो जाता है। यदि आपको निकालना पड़ जाता है तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, यदि फेविक्विक का इस्तेमाल करोगे तो वो एक बार लगाने के बाद निकलती नहीं है, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क वायर है, मैं इसमें अपनी तरफ से दूसरा नेटवर्क वायर डाल दूंगा। इसकी कॉस्ट जो है वो आपके यहाँ पर 50 यानी कि 100 रुपये से लेकर 150 रुपये हो सकती है। मैं अभी इसके लिए जो चार्ज कर रहा हूँ वो 100 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। नेटवर्क वायर जो है इसमें ये जो नेटवर्क एंटीना का काम करता है जो कि हमारे मेन बोर्ड से सेकेंडरी बोर्ड को जोड़ता है नेटवर्क बूस्ट करने के लिए, तो इसके लिए मैं 100 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। आपके यहाँ पर इसका प्राइस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, आपके यहाँ पर कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो यदि आपके यहाँ पर कोई डिफरेंट है प्राइस में तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर आप अपने हमारी वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक देख रहे हैं तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। हमने अपने डिवाइस में मेनबोर्ड लगा दिया है, उसके बाद जो ईयरपीस रिंगर होता है जो वॉल्यूम पर बात कराने के लिए होता है वो भी मैंने लगा दिया है। ये जो बैटरी है फिलहाल मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ हैप्पीनेस ब्रांड की, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे जो डिवाइसेस हैं उनमें इसको मैंने रिप्लेस किया है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और इसका जो बैटरी बैकअप होता है वो जो ओरिजिनल बैटरी है उसके 99% बैकअप दे देती है, ठीक है। ये 5000 mAh में प्रॉपर 5000 mAh में बैटरी है, और मैं इसकी जो गारंटी देता हूँ कस्टमर के लिए जो भी हमारे यहाँ से रिप्लेस कराते हैं तो 6 मंथ की गारंटी दे देते हैं बड़ी आसानी से। यदि 6 महीने तक कोई दिक्कत आती है बैटरी में तो हम रिप्लेस कर देते हैं। इसके लिए मैं जो चार्ज कर रहा हूँ कस्टमर से वो 600 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में चार्ज कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा भी हो सकता है 5000 mAh में इसी डिवाइस की आपकी यहाँ जो बैटरी है वो डिफरेंट हो या डिफरेंट रेट भी हो सकते हैं। यदि आपके यहाँ पर इस बैटरी में कोई भी डिफरेंट मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसे अवेलेबल भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, पहले मैं बैटरी को लगाने के बाद हमारा जो डिवाइस है उसकी जो डिस्प्ले है उसको मैं चेक कर लूँगा एक बार कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ये जो डिवाइस है इसकी जो डिस्प्ले रिप्ले कर रहा हूँ, इसके जो कलर हैं वो जो इसमें डिस्प्ले लगा हुआ था ब्रूकोल 99% सेम कलर हैं। हालांकि मैं 100% इसको ओरिजिनल नहीं बोल सकता क्योंकि ये 100% ओरिजिनल है भी नहीं, मार्केट में सबसे बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले है तो मैं इसको आप मार्केट में सबसे बेस्ट बोल सकता हूँ, और कलर जो है इसके वो भी काफ़ी बेस्ट हैं, ठीक है। यदि आपको इसमें 100% ओरिजिनल डिस्प्ले ही रिप्लेस करानी है अपने डिवाइस में तो आप संपर्क सर्विस सेंटर पर ही संपर्क करें, मार्केट में नहीं डलवाएं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। इस मोबाइल का कोई भी पार्ट चाहिए आपको तो कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक होल रह जाता है छोटा सा, जो कि जो कॉलिंग पर बात करते हैं उसके लिए जाली लगी हुई होती है जो कि आवाज़ आती है जिनसे, उस जाली को अलग से आपको नहीं मिल पाएगी वो, तो आपका जो डिवाइस है पुराना वाला यानी कि पुराना वाला जो फ्रेम था उसी में से उसको निकालना पड़ेगा, जो कि टूटी हुई डिस्प्ले थी उसके ऊपर लगी हुई होती है, तो वहाँ से मैंने निकाल ली थी ये, और मैंने वीडियो में भी आपको दिखा दिया था स्टार्टिंग में कि ये किस प्रकार से निकाल लेनी है आपको। निकालने के बाद इसको इस पर फिक्स कर देना है, ये फिक्स हो जाती है, ग्लू से ही मैंने फिक्स कर दिया है इसको, और उसके बाद इसमें जो ग्लू है वो लगाएंगे क्योंकि मुझे इसमें डिस्प्ले भी फिक्स करनी है। अभी सबसे पहले हमारा जो डिस्प्ले है इसके ऊपर जो ये नीली पिन्नी टाइप में जो लगे हुए हैं या स्टिकर लगे हुए हैं इनको निकाल लेना है, और निकालने के बाद इनको एक जगह यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी वीडियो कट गई है तो वो मैं दिखा नहीं पाया हूँ, तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए मैंने आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, ये इस प्रकार से मैंने इसको फिक्स कर लिया है पत्ते को चिपका के, वो पिन्नी हटाने के बाद उसके स्टिकर लगा हुआ था और इसे भी मैंने कट कर लिया था, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो जो थी मैंने रिकॉर्डिंग पर लगाने भूल गया था और वहाँ से वो वीडियो जो है वो कट हो गई थी। इसके बाद हमारा जो फ्रेम है इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है, इसमें ग्लू मैंने लगाई ली है, ग्लू मैं यूज़ करता हूँ रिलाइफ की जो कि सबसे बेस्ट है मार्केट में, इससे बेस्ट मुझे ग्लू कोई नहीं लगती है क्योंकि ये जल्दी डिस्प्ले को फिक्स कर देती है। और इसमें कभी कभार ऐसा होता है आपने देखा होगा कि आपका जो डिवाइस है उसका डिस्प्ले बाहर निकल आता है, तो इस ग्लू से अगर मैं फोल्डर लगाता हूँ तो वो ग्लू जो फोल्डर है वो बाहर नहीं निकलता है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेस्ट है, और ना ही इसका जो डिस्प्ले इससे अगर लगाते हैं तो वो बाहर निकलता है, तो ये मुझे सबसे अच्छी ग्लू लगती है। यदि आप भी अपना जो डिवाइस उसका डिस्प्ले चिपका रहे हैं तो इसी ग्लू को इस्तेमाल करें, हालांकि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे अच्छी लगती है ग्लू इसलिए मैं आपको इसे सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बैटरी
लगा देनी है इस पर। मैंने डिस्प्ले को इसमें फिक्स कर लिया है, बैटरी भी लगा लेनी है। देखिए बैटरी के नीचे भी पत्ता लग गया था, क्योंकि जो डिस्प्ले है उसी में चार्जिंग जो बोर्ड को कनेक्ट करता है वो भी पत्ता उसी में सेट होता है, तो वो जो पत्ता है वो नीचे आ गया था बैटरी का, तो मैंने वो हटा दिया है। उसके बाद ये फिंगरप्रिंट सेंसर है हमारे डिवाइस का, फिंगरप्रिंट सेंसर चिपका हुआ होता है इस जो पत्ती है प्लास्टिक की, यकीन है, इससे हटा लेना है और उसके बाद इसको जो इसका जो कनेक्टर है फिंगरप्रिंट का उस पर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारा जो ये केन है यानी कि जो मेन बोर्ड है उसके ऊपर की जो पत्ती लगी हुई है प्लास्टिक की, इसको लगा देना है और जो स्क्रू है इसके उनको सभी स्क्रूओं को लगा देना है। ठीक है, पहले मैं इसमें कुछ कम स्क्रू लगा रहा हूँ क्योंकि अभी जो सेकेंडरी बोर्ड है मुझे वो भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी दो स्क्रू लगाए हैं इसमें और उसके बाद हम इसका जो सेकेंडरी बोर्ड है हमारे डिवाइस का उसको एडजस्ट करेंगे बड़ी आसानी से। ये देखिए नेटवर्क वायर भी मैंने इसमें लगा लिया है, ये काफ़ी लंबा नेटवर्क वायर है, लेकिन ये नेटवर्क वायर थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि इसका जो कनेक्टर था वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने दो वायर निकाल लिए हैं। इसमें दो ही वायर होते हैं, एक होता है मेन और एक होता है ग्राउंड के लिए, यानी कि माइनस प्लस माइनस से मान के चलिए, उनको जैसे मैं फिक्स कर रहा हूँ इस प्रकार से फिक्स कर देना है, या यदि आपके पास जो कनेक्टर लगा हुआ है इस प्रकार का कनेक्टर वाला वायर हो तो आपको जंपर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए नीचे से पत्ता जो निकला हुआ था सेकेंडरी बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए वो मैंने उसमें कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये देखिए नेटवर्क वायर जो कटा हुआ था वो मैंने हटा दिया है इसमें से, इस प्रकार का जो कनेक्टर है वो हमारे उस वायर में नहीं था, तो इसलिए मैं उस वायर को उस जो सोल्डिंग की मदद से इसको लगा दूंगा। ठीक है, इसमें दो वायर निकले हुए हैं, ये देखिए एक बार जो वाइट वाला है इसको मैंने इस पर मेन पॉइंट पे इस पर कनेक्ट कर दिया है, और जो है दूसरा वाला वायर है इसमें मैं ग्राउंड पे कहीं भी इसको कनेक्ट कर दूंगा, तो इसमें मैंने इसको मैंने ग्राउंड पे भी जो जंपर है वो लगा दिया है। ठीक है, हमारा जो नेटवर्क वायर है वो हमारा कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद इसको जो सेकेंडरी बोर्ड है उसके ऊपर जो रिंगर डिब्बी होती है इसको लगाएंगे बड़ी आसानी से, और उसके बाद इसके जो स्क्रू हैं वो भी लगा देंगे। ठीक है, रिंगर डिब्बी मैंने लगा दी है। इसमें देखिए मैंने अभी इसमें बैटरी को रिप्लेस कर दिया है, डिस्प्ले फ्रेम को रिप्लेस कर दिया है, और हमारा जो डिस्प्ले है वो भी रिप्लेस कर दिया है। हालांकि इसमें तीन पार्ट मैंने चेंज कर दिए हैं, यदि आपका जो डिवाइस उसमें और कोई पार्ट ख़राब है तो उसका प्राइस भी जानना है चाहते हैं आप तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जो प्राइस है आपको बता दूंगा। उसके बाद हमारा जो डिवाइस है इसके सारे के सारे स्क्रू लगा लेने हैं, हमारे जो डिवाइस है उसके सारे के सारे स्क्रू लग चुके हैं। इसके बाद हमारा जो बैक पैनल है डिवाइस का वो लगाना है। देखिए बैक पैनल जो है वो मार्केट में उपलब्ध भी था लेकिन थोड़ा डिफरेंट कलर था, जो हमारा जो डिवाइस है इसका जो कलर है वो अवेलेबल नहीं था, और उसके बाद भी बैक पैनल है सिर्फ एक जगह से कटा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे मैं इस पे जो गारंटी वारंटी जो होती है, हालांकि गारंटी होती है क्योंकि रिप्लेस ही करनी पड़ती है, ये रिपेयर नहीं होती है बैटरी, मैं इस पे डेट वगैरह डाल दिया है और जो हमारा जो शॉप का नाम है SSM के नाम से वो मैंने इस पे साइन कर दी है, क्योंकि बाद में पता पड़े कि हमारे शॉप से परचेस ही नहीं की बैटरी तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ से जो परचेस बैटरी हम उसको रिप्लेस कर देते हैं बड़ी आसानी से। बैक पैनल जो है कस्टमर थोड़ी महंगे की वजह से नहीं डलवाना चाहते थे, क्योंकि 350 से लेकर 400 रुपये के बीच में बैक पैनल मिल रहा था, और फिर वो बोल रहे थे कि इसमें ज़्यादा डैमेज भी नहीं है, तो इसको हम लेमिनेट करके इसको फिक्स कर देंगे, ये काफ़ी अच्छा लगेगा लेमिनेट करने के बाद। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे हम, ये देखिए मैं आपको इसमें थोड़ा क्लिप के द्वारा लास्ट में दिखा दूंगा। हालांकि हमारा जो डिवाइस है उसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।